वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज टाइम हो गया दिन के 12 बज के 11:30 हो गए। तो हम रुके हुए थे, आपको पता ही है, रुके हुए थे हम, खाली करके आ गए थे रात को, तो हमने शूट नहीं किया फिर, इसलिए अभी यहाँ पे है डूडू में, जयपुर से आगे डूडू पड़ता है, इधर खड़े हैं। तो भाड़ा रात को मिला नहीं, अभी मिला भाड़ा, लेके आए हैं, तो अभी जाएंगे तो माल साल देखते हैं, जम्मू कश्मीर का घर की साइड का कोई माल देखते हैं, श्रीनगर का मिल जाए, करगिल ले, तो चलो फिर जाएंगे। तो चलो फिर आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट, और चलो ठीक है, खाना खुना खाते हैं, यहाँ ढाबे पे आए हुए हैं, गुजराती ढाबे हैं, अपने गुजरात के बंदे हैं, तो यहाँ पे खाना खुना खा के फिर जाते हैं हम, कहीं माल शाल लोड करेंगे। चलो ठीक है, खाना शाना यहाँ पे खाते हैं फिर निकलते हैं, तो माल देखते हैं जाके। अभी बहुत आराम से आज सोए रात, 2-3 दिन की नींद आज बहुत बढ़िया आराम से पूरी की, सुबह उठे 10 बजे, क्या 12 बजे सोए रात को, आराम से सोए, 2-3 दिन टेंशन नहीं है। तो चलो फिर अब खाना पुना खाते हैं यहाँ से, फिर निकलेंगे आगे के लिए, फिर देखते हैं माल। तो गाइस यहाँ पे हम रुके हुए थे रात को, इधर लगाई थी गाड़ी, यह है न्यू पटेल होटल, न्यू पटेल फैमिली ढाबा एंड ट्रक वाले भी यहाँ रुकते हैं, ट्रक पार्किंग है। तो हम रुके हुए थे, कोई माल कन्फर्म कर रहे थे, माल दो बंदे ने जिसका माल पिछले चक्कर ले गए थे, बंदे ने दे दिया धोखा हमारे को, बोल रहा था हो जाएगा हो जाएगा, उसके चक्कर में खड़े रहे, यहाँ पे खड़े थे, नहीं तो कंपनी में जाना था हमने रात को ही। चलो अभी जा रहे हैं फिर कंपनी में, क्या बताएं, जयपुर में ही जाएंगे। तो ये हाईवे पार से जाता हुआ अभी हम निकल रहे हैं फिर, तो चलो आज की जर्नी करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो गैस अभी हम चले हैं यहाँ से जयपुर की तरफ रवाना, यहाँ से जयपुर 90 किलोमीटर है। हम यहाँ पे खड़े थे, मैं हमने सोचा कोई माल हो जाएगा, कोई माल हुआ ही नहीं है भाई, घोड़े वाले भाई जा रहे हैं, घोड़ू भाई, तो चलो फिर क्या ही बोलें भाई साहब। चलो आज हम बहुत खुश हैं, हमारी गाड़ी तो खाली हो गई हुई है, पर क्या बताएं, फिर भी पार्टी वाले ने जिसका माल हमने लोड करना था उसके चक्कर में हम यहीं खड़े थे, चलो क्या करें फिर निकलते हैं, और कोई माल, रोजी रोटी उसी के हाथ में थोड़ी है हमारी। चले हुए हैं हम, अभी पहुंचेंगे जब जयपुर तो आपको बताएंगे। जयपुर यहाँ से रह गया 47 किलोमीटर, चलो बने रहना हमारे साथ, बताएंगे जयपुर का भी ट्रांसपोर्ट नगर का भी व्यू, आपको बता देंगे जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी कहाँ पर है, तो फिर उधर कभी आएंगे आप तो आपको भरने में गाड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलो फिर उधर जाकर नहाएं धोएंगे। अभी हम इधर आए हुए हैं कंपनी में, ये कंपनी है जम्मू रोडलाइंस, इधर बाइक बैठे हुए हैं सिक्कर रोड पे, जम्मू रोडलाइंस। तो चलो कोई नहीं, बैकग्राउंड बताते हैं आपको। इधर आए हुए हैं ट्रांसपोर्ट नगर में, तो जाएंगे फिर, माल तो अभी निकला ही नहीं, कंफर्म नहीं हुआ है, गाड़ियाँ कैंटरें लगी हुई, हमारी गाड़ी ओ पीछे लगी है, और ये सामने कंपनी है, तो अपना कंपनी में जाएंगे फिर देखते हैं माल शाल को कंफर्म करें, तो अभी हुआ ही नहीं कोई कंफर्म, देखते हैं हो जाए, आई होप हो जाए, दुआ करो भाई साहब।
तो गैस आज माल का कोई जुगाड़ बना ही नहीं है, तो हमारी गाड़ी उधर सामने लगी है। तो ये पीछे कंपनी ट्रांसपोर्ट, तो माल का कोई प्रोग्राम आज हुआ नहीं है। जिस बंदे का पिछले चक्कर माल लोड किया था वो बोलता है, बताता हूँ शाम तक अगर हो सकता है उसी का हो जाए, डायरेक्ट हो जाए तो काम बढ़िया है। तो चलो देखते हैं, तो क्या बताएं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल फिर अपनी लकी टी शर्ट लगाएंगे तो फिर उससे देख। तो चलो आज तो आज का दिन तो ऐसे भी थके हुए थे, नींद की सुबह 11-12 बजे उठे, तो अभी हमारी गाड़ी लगी है, ये है रानी बेचारी खड़ी अपनी, और उधर और भी हैं कैंटर शेंटर, ये खड़ी हैं पीछे पंजाब की गाड़ियाँ हैं, और ये भी पंजाब नंबर का डब्बा है। तो अपनी गाड़ी ये खड़ी, तो चलो अभी देखते हैं चाय शाय पीते हैं फिर मिलेंगे। इधर हमारे का कुछ पीछे कुछ ऐसा व्यू, इधर से एक कार भी आ रही है, ये देखो। अभी शाम का टाइम हो गया, बाहर का कुछ ऐसा व्यू है, ये खड़ी हैं गाड़ियाँ, तीन गाड़ियाँ कैंटर हैं पंजाब की, एक जयपुर नंबर है RG14, ओ पार सामने कंपनी है जम्मू रोड लाइंस। तो माल शाल तो एक निकल रहा था अमृतसर का, अमृतसर हमारे को फायदा नहीं ना जाने का, इसलिए हम गए ही नहीं है। कोई श्रीनगर का मिल जाए, जम्मू का मिले, अब रेट भी कम था अमृतसर का। हेलो गाइस, तो अभी हम अभी फ़ोन आया व्यापारी का, तो हम निकलने लगे, मैं चलो फिर निकलते हैं हाईवे पे जा रहे हैं, अभी यहाँ से जाएंगे उधर जाके कहीं खाना खुना खा के फिर निकलते जाएंगे, तो जाके खाना खुना खा के फिर जाएंगे लोड करेंगे लेह लद्दाख के लिए। इस बार ही हो सकता है भैया मनाली से ना ही जाएँ, चलो देखते हैं, रास्ता खुला हुआ तो जाएँगे, ऐसा वो सुनने में आया रास्ता बंद हो गया। तो गाइस हेलो, फाइनली हमारा लोड हो गया है कन्फर्म, तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे पिछले चक्कर हम गए थे लोड करने के लिए। आपको पता ही है, जिसको पता है पिछले चक्कर हमने कहाँ से लोड की थी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी अगले नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता लग ही जाएगा कहाँ से लोड करें। तो अभी जा रहे हैं, ये एक्सप्रेस रोड है, ये देख लो कहाँ का रोड है ये, तो बाकी डूडू में पहुँच गए, अभी डूडू में पहुंच गए हैं, तो रह गया आगे हमारे को सफ़र 150 किलोमीटर जहाँ से लोड करनी है। लगा लो साहब, हम जयपुर से कहाँ को जा रहे हैं, तो चलो ठीक है फिर, तो कल के नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता लग ही जाएगा। अभी जाएंगे आगे कहीं रोटी शोटी खा के फिर निकलेंगे, तो चलो कोई बात नहीं फिर। ये घोड़े वाले भाई जा रहे हैं, तो हम भी जा रहे हैं, फिर 70 की स्पीड में चले हुए हैं, 60-65 की स्पीड में हम भी, तो चलो मिलते हैं फिर आगे।